हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन श्रीवास्तव आपके सामने हूँ आपके प्रिय चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा बच्चों कि ओ लेवल, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जानकारी दी थी कि हम लोग ओ लेवल का एक सी लैंग्वेज का स्पेशल कोर्स या बैच, जो आप समझिए, लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि वो बच्चे जो सितंबर में परीक्षा देने के इच्छुक हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ देने की इच्छा रखेंगे या प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि उनको पेपर सॉल्व करने, पेपर को हल करने में और क्लियर करना, सबसे जरूरी बात है क्लियर करने में सफलता मिले। बच्चों मैं बता दूँ, मैं फिर रिवाइज कर दूँ ये चीज़, आपको फिर से दोहरा दूँ कि बच्चों मान के चलिए कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो इसका ध्यान देना होगा। और आइए आज मैं आपको पढ़ाई शुरू करने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, एक आउटलाइन और हर पॉइंट का थोड़ा सा आइडिया, आउटलाइन प्लस आइडिया, बेसिक आइडिया मैं हल्का हल्का दे दूँ ताकि इसके बाद मैं जब पढ़ाई शुरू करूं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो लेट स्टार्ट विथ आउटलाइन ऑफ कोर्स, जिसको कहते हैं सी लैंग्वेज का मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों। सी लैंग्वेज आपका ये जो पेपर है, इसका क्या कोर्स आउटलाइन है, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसको आउटलाइन आप कह सकते हो। क्या हम लोग पढ़ेंगे, आउटलाइन ऑफ कोर्स में क्या पढ़ाऊंगा मैं सी लैंग्वेज के, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट वाइज एक एक करके बच्चों मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए मैं पूरे कोर्स को डिस्कस करूंगा, किस पे ज्यादा समय दूंगा, किस पे कम समय दूंगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इस पर निर्भर करेगा। तो बच्चों सबसे पहले, सबसे प्रथम पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज में, उसको मैं कहूंगा इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस, जिसको कि डिस्कस किया जाएगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको किसी और ने भी बताया होगा, इसके पहले बहुत सारे लोगों से आपने पढ़ाई की होगी, मैं आपको चूंकि फर्स्ट टाइम आपके सामने हूं इसलिए मैं बच्चों आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोग्रामिंग एक आर्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम प्रोग्राम को रट लें। रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, आपका काम चल जाएगा, लेकिन रियलिटी में अगर आप वाकई में प्रोग्रामिंग के इच्छुक हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग भविष्य में आपको इस लाइन में आगे जाना है या नहीं जाना, ये आपको तय करना है। लेकिन मैं एकदम क्लियर कट बता दूं कि प्रोग्रामिंग एक आर्ट है, प्रोग्रामिंग एक कला है, और ये आप सीख कर ही जान सकते हैं, जिस प्रकार से और बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, जिसको कि प्रयास और कहते हैं परिश्रम, और जिसको अभ्यास शब्द कहा जाता है। बिना अभ्यास के, बिना कह सकते हैं कि एफर्ट लगाए, बिना उचित प्रयास किए बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग क्या है ये समझाना भी है, और मेरा प्रथम ऑब्जेक्टिव तो देखिए आपका बिल्कुल क्लियर है कि भाई किसी भी तरीके से आपका पेपर निकले, पेपर निकलने की कोशिश, निकलवाने में हम कैसे मददगार हों, हमारा ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। बट आप एकदम क्लियर जान लो कि पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग एक आर्ट है, प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का वो समूह होता है बच्चों प्रोग्राम, जिसको कि हम कंप्यूटर को एक सीक्वेंस में देते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम में, खाली निर्देश देने से कुछ नहीं होता, उन निर्देशों को जब तक आप क्रम में नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। तो ये जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसमें यही बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे हम इसको करते हैं, कितने तरीकों से करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे तरीकों की प्रोग्रामिंग आज की डेट पे चल रही है। अलॉट ऑफ
types of programming presently used by the programmers at this era. लेकिन उसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग आपको करनी है सी के द्वारा, सी की कौन सी टेक्निक है जिसको कि हम यूज करेंगे, वो आपको बताऊंगा मैं. बहुत सारी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. मैं आपको बता दूं, सी लैंग्वेज फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है. तो इसमें थोड़ा सा इस यूनिट में, पहली यूनिट में आपको यही बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, और सी लैंग्वेज के द्वारा हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं. तो जब डिस्कस करेंगे बच्चों, तब ये डिस्कशन होगा. इसके बाद सीरियल नंबर 2 जो आपको मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा एल्गोरिथम्स. क्या बताऊंगा? एल्गोरिथम्स, इसको शॉर्ट में मैं एल्गो कह रहा हूं. एल्गोरिथम्स, किस चीज की एल्गोरिथम्स? फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपके लिए शायद एल्गोरिथम शब्द नया होगा, बट एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सा शब्द है. आप अपने रियल लाइफ में चीजों को रियल लाइफ से कोरिलेट कर लो, सब समझ में आ जाता है भाई. रियल लाइफ से दूर हटके आप समझने की एल्गोरिथम क्या होती है. आप अपने लाइफ में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को आप डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करते हैं. एक प्रॉब्लम को कोई बंदा किसी अदर तरीके से, दूसरा किसी अदर तरीके से, तीसरा किसी अदर तरीके से सॉल्व करता है. सबका ऑब्जेक्टिव एक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना. सबका एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम की सॉल्विंग, लेकिन तरीके अलग होते हैं. तो व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. एल्गोरिथम ही हमें वो विद्या, वो ज्ञान, वो टेक्निक बताती है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम्स को बच्चों सॉल्व कर पाते हैं. मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं. एक प्रॉब्लम डिफरेंट तरीकों से सॉल्व की जा सकती है. अब आप कौन सी लगाते हैं, आप कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो बच्चों सेकंड यूनिट में, सेकंड टॉपिक में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या है आपको मैं बता दूं, एकदम क्लियर कट सुन लीजिए. अगर आपको प्रोग्राम लिखना नहीं आता, सी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके पेपर में, आप बिल्कुल प्रोग्राम को छोड़िए मत, आप उसकी एल्गोरिथम लिख दीजिए. सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ टू राइट द एल्गोरिथम, आई विल डिस्क्राइब इट लेटर ऑन. मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे एल्गोरिथम लिखते. मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, बहुत जितने भी बच्चों को मैंने आज तक पढ़ाया, सबको यही क्लास में कहा है, सबको यही मैंने सुझाव दिया है कि बच्चों कोई छोड़ के ना हो कुछ. आपको एल्गोरिथम लिख के आना चाहिए. प्रॉब्लम नहीं बन पा रही है, आप टेक्निक प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, आपके अंदर सी का कोड लिखने की काबिलियत नहीं है, छोड़ के मत आइए, उसके एल्गोरिथम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए. तो ये मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. इसके बाद बच्चों अपना तीसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा सी लैंग्वेज में, वो आपको बताऊंगा. क्या बताऊंगा? इंट्रोडक्शन, इंट्रो टू सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है आपके पेपर को निकालने के लिए, वो सी लैंग्वेज के द्वारा करनी है. तो सी का इंट्रोडक्शन, सी कैसी लैंग्वेज है, इसमें कैसे कोड लिखे जाते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किसने सी को बनाया, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी. किसमें मिलेगी? इस तीसरे यूनिट या तीसरे टॉपिक में बच्चों, जिसको कि हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज. तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट आफ्टर दैट हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, आइए मैं उसको आपको क्लियर करता हूं दो मिनट में. हमारा तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका, क्या होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड क्या होगा? लूप. माय नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप. बच्चों
आप एक चीज क्लियर जान लो, इस पॉइंट पे आपको बहुत समझदारी से बहुत दिमाग लगा के देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स अगर आपने सीख लिया, अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाने सीख लिए, तो आप कंप्यूटर की मदद से डिसीजन पे वर्क करना सीख जाएंगे। देखिए, इंसान और मशीन में डिफरेंस क्या होता है, ह्यूमन के पास वो ब्रेन है जो बिना सिखाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकता है, कौन? ह्यूमन। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसी दिक्कत है कि वो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता। आपको बताना पड़ेगा कि भैया किस सिचुएशन में हम क्या करें, किस सिचुएशन में हम क्या करें, मतलब कंप्यूटर क्या करे। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, ये इसके लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने होंगे। कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम सी में पढ़ाएंगे, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं। इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कई सारे हैं, लेटर ऑन डिस्कस होगा। और बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज दिस, दिस इज लूप। लूप मतलब होता है कोई रिपीटेड टास्क। आपको मैं बता दूं, लूप एक, ये सब नॉट ओनली लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप दोनों, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लगभग दुनिया की हर लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, आप पाइथन सीख लो, जावा सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो, कोई भी विजुअल बेसिक सीख लो, या अदर लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप जानते हैं या जानना चाहते हैं, हर जगह आपको ये दोनों टॉपिक मिलेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी मिलेगा और आपको लूप भी मिलेगा। लूप क्या है? लूप एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा आप किसी टास्क को रिपीटेड टाइम्स, मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, नॉट ओनली वन टू एन नंबर ऑफ टाइम्स, अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट आप वर्क कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर लूप ना होता शायद तो बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क, ऐसे टास्क जो शायद मतलब हम लोग चला पाते, बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि लूप ने प्रोग्रामर्स की लाइफ को एकदम मस्त बना दिया। मस्त मीन्स, मेरा कहने का मतलब आसान बना दिया। एक कंडीशन लिखी, लेकिन आसान नहीं बच्चों, लूप को चलाना कहा जाता ना, कोई चीज बहुत मजेदार है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसका रोल, उसको चलाना भी तो आना चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट हम लूप चलाना सीखते हैं, अगर कंडीशन गलत कर दी तो वो आपके लिए अर्थ का अनर्थ भी कर देगा। तो इसलिए कहते ना, आरामदायक है लेकिन तरीका आना चाहिए। तो लूप क्या है? रिपीटेड टास्क को एग्जीक्यूट करने की एक युक्ति है। लूप को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, यही सीखेंगे हम बच्चों इसमें। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आपको ले चलता हूं कि आपके सी लैंग्वेज के नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्या पढ़ाएंगे। तो इसके बाद आपको फिफ्थ पॉइंट पर एक बड़ा ही पावरफुल टॉपिक जिसको कहते हैं एरेज। एरेज, व्हाट इज दिस एरे, ये एरे क्या है? लगभग हर लैंग्वेज में, जावा में एरे है, पाइथन में भी आपको एरे मिल जाएगा, सी लैंग्वेज में भी एरे, एरे कह सकते हैं, बेसिकली अरे इसको प्रोनंशिएट किया जाता है, लेकिन अपभ्रंश होकर इसको एरे 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 लोग कहते हैं। अरे का मतलब होता है कि कोई लगातार, कोई कॉन्टिन्यूअस चीज, कोई कॉन्टिन्यूअस जानकारी आप तक आए। जैसे सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल होता हूं, अरे ऑफ इंफॉर्मेशन, लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि भैया फलाने जगह पे क्या हुआ है, कोई हादसा हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, या कुछ अदर। जैसे कि आपको कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, आपको कहते हैं ना, क्रिकेट मैच में बीच बीच में स्कोर्स अपडेट होते हैं, तो लगातार आपको सूचना मिलेगी कि इतनी बॉल पे इतना रन, इतनी बॉल पे इतना, लगातार कॉन्टिन्यूअसली अपडेटेड होती रहेगी। तो ये अरे ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको सी लैंग्वेज में बनाने वाले ने गजब की चीज बनाई, मतलब डेनिस रिची साहब को सलाम है। क्या सोचा उन्होंने कि भैया, एक आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको एरे का एक्चुअल यूज, जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, तब क्लियर होगा कि एक समय में वेरिएबल्स, एक समय में कोई एक ही जानकारी स्टोर करी जा सकती थी। तो ये बड़ी दिक्कत आती थी जब हमें ज्यादा बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता था। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स के नाम, 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, 100 स्टूडेंट्स का एड्रेस,
10 इम्प्लॉयज़ का सैलरी, पेंशन, इस टाइप की लगातार बल्क में इंफॉर्मेशन जब मुझे स्टोर करनी होती थी, यूजर को स्टोर करनी होती थी, तब बड़ी दिक्कत आती थी। तो डेनिस रिची साहब ने इस समस्या का समाधान क्या बनाया भाई, इन्होंने समाधान यही किया कि एरे डेटा स्ट्रक्चर या एरे डेटा टाइप या एरे वेरिएबल, जो आपके लिए सब टर्म्स हैं, आपके लिए शायद नए हैं, को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि आप एरे क्रिएट करो और एरे की मदद से आप बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, अपनी मल्टीपल, अपने ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी कंबाइंड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। बहुत कमाल की ब्यूटीफुल डेटा स्ट्रक्चर है। आने वाले समय में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उम्मीद करूंगा कि शायद आपको समझ में आएगा और आप भी आनंद लेंगे। समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ मैं सब चीजों को टच जरूर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मैंने 4 पॉइंट्स का बच्चों आपको जिक्र किया, 5 पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट होगा आपका, वो क्या होगा, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फंक्शंस। हमारा जो 6th पॉइंट होगा वो होगा फंक्शंस। व्हाट इज दिस फंक्शंस, ये फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक आप कह सकते हैं कि फंक्शन को समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप आज के समय में फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई टीवी का रिमोट है, आपके सबके पास होगा, घर पे होगा। टीवी के रिमोट में बच्चों आपने देखा होगा कि बटन्स होती हैं डिफरेंट, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, कंट्रास्ट ना, इंस्टॉलेशन, चैनल नंबर्स, ब्राइटनेस वगैरह, डिफरेंट टाइप, पावर ऑन, पावर ऑफ, म्यूट, चैनल चेंज करने की बटन्स। तो भाई आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका मान लीजिए टीवी का रिमोट है, इसमें डिफरेंट क्या हैं, ये बटन्स लगी हुई हैं, हर बटन का एक अपना रोल है। लेकिन कभी आपने सोचा है, डू यू थिंक, डू यू रियलाइज, कभी आप एसी का रिमोट है, माइक्रोवेव ओवन का रिमोट है, बहुत सारी डिवाइसेज आज रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं। आज का जमाना ही अब रिमोट का हो गया, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, जहां पे कि आप अपने दूर से सारी चीजों को, अपने घर की डिवाइसेज को, डिफरेंट चीजों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, हैंडल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। तो बच्चों मैं सिर्फ अभी आपको फंक्शंस का बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके रिमोट में डिफरेंट बटन्स हैं और आप बटन पे क्लिक करते हैं, एक्शन हो जाता है। यानी कि इस बटन पे आपने जब क्लिक किया तो इससे रिलेटेड कोड कहीं अदर स्टोर है, और आप जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक किए नहीं कि ये कॉल हो जाता है। सी लैंग्वेज में भी बच्चों आप ऐसा कर पाएंगे कि आप फंक्शंस बना पाएंगे। फंक्शंस का मतलब जस्ट लाइक टू क्रिएट अ बटन। अगर सी लैंग्वेज, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है, CUI बेस्ड, पढ़ाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CUI। यहां पर हर चीज कोड में लिखनी है। अगर यही चीज GUI लैंग्वेज में होता तो आपको फंक्शन लिखते और बटन बन जाती, बटन पे क्लिक करते वो कार्य हो जाता, बटन इवेंट कॉल हो जाता। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन आज के समय में आप सी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूं तो फंक्शन इज द सेट ऑफ कोड। ये कलेक्शन या सेट होता है किसका, कोड का। और जितनी बार आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, हर बार आप टीवी के रिमोट में अगर वॉल्यूम का बटन दबाओगे, चाहे एक बार दबाओ चाहे 1000 बार दबाओ, बताओ वॉल्यूम ही बढ़ेगा या कुछ और भी परिवर्तन होगा। यानी फंक्शन कलेक्शन है इंस्ट्रक्शंस का, कोड का, उसको एक नाम दे के हम लोग सेव कर देते हैं, जैसे वॉल्यूम फंक्शन। अब जितनी बार हम वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करेंगे, हर बार जितनी बार मैं वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करूंगा, हर बार क्या होगा आपका, हर बार वॉल्यूम ही बढ़ेगा। तो फंक्शन आगे पढ़ाऊंगा, यह भी बताऊंगा कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। देखिए कुछ तो बने बनाए हैं, सी लैंग्वेज बनाने वालों ने, डेनिस रिची साहब ने जब फंक्शंस बनाए, जब सी लैंग्वेज बनाई तो उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस, अलॉट ऑफ फंक्शंस बनाकर रख दिए कि भैया यूजर्स को जरूरत होगी, यूजर्स इनको यूज करेगा, इनको प्रयोग करेगा। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी थे, जो कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि भाई मैं यूजर को भी सहूलियत दे दूं, कितनी चीज मैं बना के दूंगा, मुझे नहीं मालूम कि यूजर को कब कितनी। रेडीमेड की एक लिमिट होती है भाई, रेडीमेड हर जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो यूजर
को अलाउ कर दिया डेनिस रिची साहब ने कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सेल्फ फंक्शन डिक्लेयर करें। तो इस यूनिट में कुल मिला के यही सब पढ़ाया जाएगा, फंक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6 आपके सी लैंग्वेज के सिलेबस का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा, मैं इसको हटा रहा हूं और इसके बाद आपको बताता हूं, मैं पूरा कोर्स आज आपको बता दे रहा हूं सी लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसको गौर कर लीजिए आप सारे। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आपके सी लैंग्वेज का पॉइंट नंबर 7 जिसको आप कह सकते हो, वो है बच्चों हमारा स्टोरेज क्लास। एक टॉपिक है स्टोरेज क्लास। What is this storage class? ये storage class क्या बला है? तो देखिए ये अभी बहुत अर्ली होगा storage class के बारे में आपको समझा पाना। आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे कि भैया C language में variables बनाते हैं, उन variable क्या होते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठेगा। variable एक container होता है जिसमें आप अपनी values को store करते हैं। क्यों store करते हैं? ताकि हम उन पर कार्य कर सकें, उन पर process कर सकें। याद रखिएगा, बिना variable declare किए बगैर आप किसी तरह की processing, आप किसी तरह की कहते ना प्रयोग नहीं कर पाएंगे, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो storage class आप समझ लीजिए, स्टोरेज क्लास वो सिद्धांत है जो यूजर को बताता है कि वेरिएबल वेरिएबल का संपूर्ण ज्ञान क्या है, कोई वेरिएबल कैसे बनता है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, कहां वो स्टोर होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसका कह सकते हैं कि वो कब तक जिंदा रहेगा। मतलब कंप्लीट नॉलेज अबाउट द वेरिएबल विल प्रोवाइड By the concept called storage class। बिना बहुत सारे लोग मैं बताता हूं प्रोग्रामर बन जाते हैं, सी की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट किसी अदर लैंग्वेज, बहुत सारे लोग प्रोग्रामर बन जाते हैं लेकिन उनको स्टोरेज क्लास का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो इफेक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। वो काम तो कर लेंगे लेकिन वो सब कुछ नहीं। और स्टोरेज क्लास आपके मैं आगे ये डिस्कस करूंगा कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आ रही है, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं बता चुका हूं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आ रही है तब भी आप सी निकाल सकते हैं। इतना नाइलेट आपको चांस देता है कि आप बाएं दाएं से थ्योरी पढ़कर, थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ के, कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ के आप निकल जाएं। लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे नहीं कर पाते तो वहीं से समस्या क्या है, क्रिएट हो जाती है, बदल जाती है, बढ़ जाती है। तो स्टोरेज क्लास एक ऐसा टॉपिक है जो आप थ्योरी टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए और क्या, आप तैयार करके चले जाइए। उम्मीद करता हूँ 8 नंबर 10 नंबर इससे निकल जाएगा, 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर 1-5-7 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन। तो इसके बाद स्टोरेज क्लास के बाद जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपके हिसाब से पॉइंट नंबर 8 होगा, वो होगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैं कहूंगा स्ट्रक्चर एंड व्हाट यूनियन। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है। डेनिस रिची ने अपनी महानता इसमें दिखाई है। भैया क्या महानता दिखाई है, उन्होंने ये बताया कि भाई रियल लाइफ इंफॉर्मेशन, देखिए आगे पढ़ेंगे जब आप तभी समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआती दौर में डेनिस रिची साहब यानी सी के निर्माताओं ने यूजर्स को अलाउड किया कि वो सेम टाइप की इंफॉर्मेशन रख सके, जैसे नंबर रख सके, किसी का कैरेक्टर रख सके, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहां पर जो सूचनाएं हैं वो कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अपने आप को आप लीजिए, स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट का क्या केवल एज होगा क्या, या सिर्फ नेम होगा? नहीं, स्टूडेंट की मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। वहां पर उसका रोल नंबर भी है, वहां पर उसका नाम भी है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी है, वहां पर उसका एड्रेस भी है, उसका रिजल्ट भी है, उसका मार्क्स भी है, उसका टोटल है, परसेंटेज है, कॉम्बिनेशन।
मिक्स टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो डेनिस रिची साहब ने यूजर्स को यह अलाउड किया, क्या अलाउड किया, कि आप रियल लाइफ की इंफॉर्मेशन यानी ग्रुप ऑफ डिससिमिलर आइटम्स को भी मेमोरी पर स्टोर कर सकते हो। और यह कैसे होगा, ये होगा आपका किसकी मदद से, वो होगा आपका स्ट्रक्चर और यूनियन टॉपिक। बहुत ही कमाल का टॉपिक है, आपके कोर्स में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप सब इसके लिए तैयार रहिए, इसको पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, और ये मान के चलिए 7-8-10 नंबर का टॉपिक मिल जाएगा इससे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में क्या पढ़ाऊंगा, आइए अब उसके बारे में चलते हैं लेके आपको और दिखाते हैं। 2 मिनट बस धैर्यपूर्वक आप वीडियो को देखते जाइए अंत तक। आज सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स का आइडिया आपको मैं दे दूंगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आपको मैं बताऊंगा एक बहुत ही कमाल का टॉपिक जिसको कि लोग पॉइंटर्स कहते हैं। अगर कोई सी का जानकार है, पढ़ा है, और उससे कोई पूछे कि भैया आप बताओ कि कौन सा वो टॉपिक है जो सी का सबसे सरदर्द देता है, कौन सा वो टॉपिक है जो सी में सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है, तो ये अब जान लीजिए कि वो टॉपिक आपका है जिसका नाम है पॉइंटर। ऐसा लोग कहेंगे, आपको ये जवाब सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सी का सबसे जबरदस्त टॉपिक है, सी का सबसे बेहतरीन टॉपिक है पॉइंटर। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन सी लैंग्वेज को इसी वो टॉपिक है जिसने पावरफुल बनाया। मतलब ये सी एक ऐसी लैंग्वेज है, आगे चल के आप समझिएगा, जो कि क्या है, जो कि बच्चों हाई लेवल और लो लेवल, आपको मैं बता दूं पॉइंटर की आप हाई लेवल तो करते ही हैं। हाई लेवल का मतलब होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप ऊपर ऊपर से मशीन से इंटरैक्ट नहीं करते। मशीन मतलब सीपीयू, आप पढ़े होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय विश्लेषण इकाई, कंप्यूटर में कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। तो बच्चों हाई लेवल की प्रोग्रामिंग तो आप करते हैं, लेकिन पॉइंटर ही वो ज्ञान है जिसके थ्रू आपको ये लो लेवल तक भी ले जाता है। किस लेवल तक ले जाता है, लो लेवल। मैं आपको बताऊं पॉइंटर्स के द्वारा आप रजिस्टर्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि कमाल का टॉपिक है, और ये सारी ज्ञान सिर्फ सी लैंग्वेज में ही संभव है। पॉइंटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब विद्यार्थी को अगर आ गया, प्रोग्रामर को आ गया, तो वो हाई लेवल, इसीलिए सी को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। पढ़ाएंगे आगे कितने प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सी किस कहां ठहरती है, हाई मिडिल लो। तो सी लैंग्वेज न पूरी तरीके से हाई है न पूरी तरीके से लो है, ये मिडिल लेवल कहा जाता है, क्योंकि ये हाई लेवल का भी काम कर सकती है, लो लेवल का भी काम कर सकती है, हार्डवेयर को भी इंटरेक्ट करा सकती है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, तो वी विल डिस्कस ऑन। और मैं आपको बता दूं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जब आप 10 नंबर घूम फिर के ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन फंसाते हैं, कठिन पेपर बन गया तो जान लो पॉइंटर का क्वेश्चन ज्यादा आ गया। स्टूडेंट्स कहते हैं अरे सर पॉइंटर ने ही फंसा दिया, मार डाला हम लोगों को। तो पॉइंटर्स एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है, पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी मदद हो सके, समझाया जा सके। इसके बाद मैं हटा रहा हूं इसको, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आपको बच्चों ले चल रहा हूं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा सी लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं टॉपिक नंबर 10। क्या रहेगा ये, बहुत ही कमाल का टॉपिक है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर तो एक चीज हो गई मेन दुनिया जिसको कहती है, किस नाम से, लिंक लिस्ट। बहुत ही कमाल का टॉपिक है, आई थिंक सी लैंग्वेज में ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जबरदस्त टॉपिक है, जिसको कि आपने अगर तैयार कर लिया तो 100% ये मान के चलिए कि आपका कोई रोक नहीं सकता आपको पेपर निकालने से। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है तो ये अभी बताना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर ही आपने नहीं पढ़ा तो कहेंगे सर सेल्फ रेफरेंशियल कैसे समझ में आएगा, तो बताऊंगा मैं, वहां पे ले चलूंगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप का परिचय स्वयं दे,
ऐसे स्ट्रक्चर को सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। और लिंक लिस्ट एक कमाल का टॉपिक है। लिस्ट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आइटम, और लिंक मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो ये क्या है, कैसे ये कार्य करती है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं यूजिंग सी, वी विल डिस्कस ऑन। तो ये पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक नंबर 10 में। और इसके बाद आपका, आप कहेंगे कितना लंबा सिलेबस पढ़ाएंगे सर, तो सी लैंग्वेज एक बहुत ही लंबी लैंग्वेज है, कंप्लीटली पढ़ाना तो देखिए ना मेरे बस का है ना आपके बस का है। लेकिन हाँ, मैं बार बार यही कहूँगा कि इतना तो करा दूँ कि भैया कल्याण हो जाए, बस वही इतना कराने का प्रयास है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है आपके कोर्स का, जिसको क्या कहेंगे पॉइंट नंबर 11, वो टॉपिक है आपका फाइल प्रोसेसिंग। दिस टॉपिक इज कॉल्ड फाइल प्रोसेसिंग। इसको मुझे पढ़ाना है, कुछ लोग इसको फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपने तैयार कर लिया, मैं बता दूं लिंक लिस्ट और फाइल हैंडलिंग या फाइल प्रोसेसिंग तैयार कर लो, 25 नंबर पूरे सी लैंग्वेज से निकाल देगा ये। मतलब आप समझ लीजिए कितना मेजर टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग में। बच्चों ये सिखाया जाता है, अब हवा हवाई की बातें नहीं, कितना आएगा ये तो भविष्य जाने। फाइल हैंडलिंग में हम ये सीखते हैं, हम ये जानते हैं क्या कि भैया कैसे हम अपने प्रोग्राम के द्वारा हार्ड डिस्क में जो फाइल्स स्टोर हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मेरा ये सोचना गलत होगा, आपने कहीं ना कहीं सी अवश्य पढ़ी होगी, क्योंकि आप इस समय बच्चों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सितंबर में नाइलिट का, तो इसके पहले भी कभी ना कभी अवश्य पढ़ा होगा क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग में अभी तक आपने मेमोरी वेरिएबल्स का ही यूज़ किया होगा। मेमोरी वेरिएबल्स टेम्परेरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर होते हैं, रैम पर स्टोर होते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए आपको डेटा परमानेंट करना है, आप चाहते हैं कि मैं कल आऊं तो मैंने जो अपने प्रोग्राम के थ्रू डेटा पे काम किया है वो स्टोर रहे, परमानेंट रहे, जब तक मैं कहूँ ना डिलीट ना हो, फाइल्स के फॉर्म में स्टोर हो। और फाइल्स के फॉर्म में स्टोर तभी होगा डेटा जब हार्ड डिस्क पे होगा। तो भैया कैसे कैसे, हाउ टू ऑपरेट डेटा स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क बाय यूजिंग सी, ये किस सिद्धांत में आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको फाइल प्रोसेसिंग में मिलेगा। एक लंबा टॉपिक है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइल हैंडलिंग कहा जाता है इसको, आने वाले वक्त में मैं पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ में आएगा। फास्ट मोड में कोर्स करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जब ये सब करा देंगे तो लास्ट में आप कह सकते हैं जो लास्ट टॉपिक आपका होगा वो हम लोगों का बच्चों होगा, वो क्या होगा आइए बताता हूँ, पेपर सॉल्विंग। सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे पेपर की सॉल्विंग। जरा ये भी देखेंगे कि पेपर्स कैसे आते हैं सी के, और आप कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर सॉल्विंग कराना, आपको ये हिंट देना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। हमारा प्रमुख दायित्व यही है, सारा मेहनत करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भैया पेपर निकल सके, आपका पेपर क्लियर हो सके। अगर पेपर क्लियर ना हुआ तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ये सारी मेहनत, ये सारा लगन से पढ़ाना सब व्यर्थ चला जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हम सबके साथ जुड़े रहिए, लगातार कनेक्ट रहिए, क्योंकि अब इसके बाद हम कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक एक करके सारे टॉपिक्स क्या किस में चलेगा, क्या कैसे पढ़ाऊंगा, किस सीक्वेंस में चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन ऑन लेटर ऑन। तो कीप वॉचिंग विथ अस। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू वेरी मच।